कोई मेरी मिट्टू को रिजेक्ट नहीं कर सकता, और अगर किया भी तो मैं उन सबको रिजेक्ट कर दूंगा, सबको। साची आप कितने प्यारे हो जी, आई लव यू जी। आई लव यू टू मिट्टू। अब रो मत मिट्टू, सब बातें छोड़ो और नीचे चलते हैं। अब क्या हुआ मिट्टू, अब चलो भी। मेरा पॉइंट सिर्फ इतना है कि हम सब उसे ऐसे नेगेटिवली क्यों जज कर रहे हैं। हो सकता है कि उसके चेहरे में कोई प्रॉब्लम हो और वो शादी से पहले अपना चेहरा दिखाने से डर रही हो। अगर एक बार उससे प्यार से बात करके देखेंगे तो शायद वो असली वजह बता दे। नहीं गुंजन, हम उससे नहीं विक्रम से बात करेंगे, लेकिन आराम से, क्योंकि वो मिट्टू को इतना चाहता है। अगर उसे ऐसे लगा कि हम उस पर शक कर रहे हैं तो वो नाराज हो जाएगा, और जब उसे गुस्सा आता है तो पता है ना क्या होता है। ओ नो, मतलब आज नहीं, हमें उनका चेहरा आज ही देखना है। बोलो, तुम्हें बड़ी दिलचस्पी है मिट्टू का चेहरा देखने में। क्योंकि हमें पता है कुछ गड़बड़ है। अच्छा, गड़बड़ तो तुम्हारी पढ़ाई में भी है, जाओ जाकर पढ़ाई कर लो। वैसे भी रात को घर में पूजा है, फिर पढ़ाई नहीं हो पाएगी। लेकिन पहले हमें उनका चेहरा देखना है, देखना है, देखना है। वो तो पॉसिबल नहीं है धोलू, और जो बड़े कह रहे हैं उनकी बात मानो और जाकर पढ़ाई करो। नहीं, हमें उनका चेहरा देखना है, मतलब देखना है। खबरदार, जो ज्यादा जिद की तो। सर, हमें उनका चेहरा देखना है, देखना है, देखना है। बाजी को माफ करना, वो क्या है ना, बच्चा है, पर हम जरा उसे डांट लगा देंगे, समझा देंगे, फिर से ऐसी हरकत नहीं करेगा। हम जाकर देखते हैं। नहीं नहीं चाची जी, आप रहने दीजिए, मैं देख कर आती हूँ। अकेले खेल रहे हो, मेरे साथ नहीं खेलोगे? हमें ना ही आपके साथ खेलना है और ना ही बात करनी है। देखो डोलू, गुस्सा होना आसान है लेकिन अपनी गलती समझना मुश्किल। अब मिट्टू दीदी तुमसे बड़ी है ना, अगर वो कुछ नहीं करना चाहती है तो लेट हर बी। और विक्रम भैया इतने दिनों बाद आए हैं, उन्हें क्यों नाराज कर रहे हो? और वैसे भी विक्रम भैया वो भाभी से शादी करने के बाद हमेशा नाराज ही रहेंगे। डोलू, क्योंकि वो चुड़ैल है, भूतनी है, डायन है, इसीलिए, क्योंकि वो अपना चेहरा नहीं दिखाती है। दीदी समझो ना, कुछ तो बात है उनके चेहरे में, तभी तो वो नहीं दिखा रही है अपना चेहरा। बात तो ठीक कह रहा है। So guys, ये है मेरा फाइनल लुक, थोड़ा इस तरफ से और थोड़ा इधर का। I like it, kid. लेकिन ये सिर्फ एक ही है क्या? मतलब ये जो स्टोल है इसका कोई दूसरा ऑप्शन है? ये देखिए, हम ये लाए हैं। Well, I have an option. Wait, let them.
Here it is. Daddy, this is perfect. हमें यही लुक चाहिए. कबीर, एवरी टाइम तुम कुछ ना कुछ कमाल कर सकते हो. गुड जॉब. थैंक यू सो मच. केटी, पक्का ना हम ये स्टॉल रखने वाले हैं? आई मीन रचना का डिजाइन है और वेल शी इज गुड, अच्छा काम करती है. बट उससे कहना मत वरना सर चढ़ जाएगी. ओके केटी, वी आर ऑन. बाकी फॉर्मेलिटीज हम फैक्स और मेल कर देते हैं. एंड कॉन्ग्रेट्स अगेन, ये डील पक्की है. ओके, और बाकी जो फॉर्मेलिटीज हैं वो नहीं 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 क्या है दादी? अरे मोहल्ले में पूजा है. गाइस, एक्सक्यूज मी, वन सेकंड. अब बोलिए. मोहल्ले में पूजा है जहां हम दोनों ने जाना है. चलो दादी. हाउ कैन, दादी आपकी तबीयत ठीक नहीं है और आपको पूजा में जाना है. Why can't I? अगर घर में ऑफिस बन सकता है तो तबीयत खराब में हम पड़ोस की पूजा में क्यों नहीं जा सकते? And excuse me, Jude. हम तुम्हारे दादी हैं. You understand? Please excuse us. मोहल्ले में पूजा है, तैयार होना है, चेंज करना है. So see you sometimes, huh? Bye. ये हुई ना बात. ये लो, हमारा तो हो गया भाई. अरे अरे क्या भाई, कितना चेक करोगे? बड़े भाई से पंगा ले रहे हो, हम तो जीत गए. ये क्या, ताश खेल रहे हो? ताश? अरे काका, वो जो आप समझ रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, हम तो जुआ थोड़ी ना खेल रहे हैं. भैया खेल शुरू करते हैं. हम विक्रम से बात करेंगे लेकिन आराम से. ठीक है, चलो हो जाए. अरे गोपाल उठो भाई, भैया को बैठने दो. आइए. तो भाई विक्रम बबुआ, तुम हमारी जमात में शामिल होने के लिए तैयार हो ना? जी मैं समझा नहीं. अरे भाई, शादी चुला मर्दों की मंडली में एंट्री लेने के लिए, मतलब घर गृहस्थी वाले और जोरू के गुलाम. और वो भी लव मैरिज. अब हुआ यूं कि लव हो गया और शादी तो होनी थी. इसका मतलब ये है कि अब आप लविंगली गुलाम बन जाओगे. अच्छा ये बताओ कि लव कैसे हुआ? क्या बताएं, वो बस पहली नजर में मंदिर में गए तो. अरे दिल डोल गया है. शाबाश. हाँ बोलो बोलो, आगे बताओ. बस फिर हम मिलते गए और कब प्यार के टूट बंधन में बन गए पता ही नहीं चला. बस अब शादी के बाद आप सब लोगों का आशीर्वाद चाहिए, स्पेशली आप सबका. हाँ, वो तो मिल जाएगा. पर तुम्हारे मन में अब भी कुछ है ना? बोलो बोलो. अब क्या बताइए, कि सच बात तो ये है कि हम दोनों मन ही मन में एक दूसरे को पति पत्नी मान चुके हैं. मैं जितना समय उसके साथ रहता हूँ उतना कम लगता है. काश 24 घंटे में से हम उसके साथ 25 घंटे बिता पाते. उसके साथ, उसके करीब, पता नहीं, जब कभी भी वो मेरी बाइक की हॉर्न की आवाज सुनती है तो दौड़ी चली आती है. और जब हम दोनों साथ में बाइक पे जाते हैं तो मानो ऐसा लगता है कि हम प्यार के आसमान में उड़ रहे हों. ये नरमी, ये गर्मी. सच बात तो ये है कि हम मन ही मन में एक दूसरे को पति पत्नी मान चुके हैं. और जब भी मौका मिलता था हम उसे फूल दे देते थे. औरतों को फूल बहुत पसंद होते हैं ना. ये आजकल के नौजवानों के प्यार की परिभाषाएं भी अजीब. अरे ये सब क्या हो रहा है भाई? घर में पूजा है,
और तुम सब बैठ के यहाँ ताश खेल रहे हो। गोपाल, तुम्हें लाइट का काम दिया था ना? प्रभु, मिठाई वाले के पास जाने वाले थे, गए थे कि नहीं? दयाल, तुम भी इन लोगों के साथ चलो, छोड़ो ये सब। जी जी, बस अभी भेजते हैं लोगों को। चलो भाई, चलो चलो, काम पे लग जाओ। नहीं रचना, तुम समझने की कोशिश करो बेटा, ऐसा नहीं है मम्मी। और हम अकेले थोड़ी जा रहे हैं, हमारे साथ हमारे बॉस होंगे, सुबह गए और शाम को वापस। वो सब तो ठीक है बेटा, चलो हम तुम्हें हाँ कह दें तो क्या? जब तक तुम्हारे पापा हाँ नहीं कह देते, हम तुम्हें जाने की इजाजत कैसे दें? किस चीज की इजाजत चाहिए? वो हमें अपने काम के सिलसिले में हथकरघा कारीगरों के गांव जाना है, और हम अकेले नहीं जा रहे, हमारे साथ हमारे बॉस होंगे, सुबह जाएंगे और शाम तक वापस। क्या हम जा सकते हैं? जरूर जा सकते हैं बेटा, लेकिन अपना ख्याल रखने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, और समय पर वापस आने की भी। अगर ये दोनों चीजें तुम कर सकती हो तो जरूर जाओ। ओ पापा, आप कितने अच्छे हैं। थैंक यू सो 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 मच। अच्छा हुआ आपने उसे जाने दिया, उसका बहुत मन था जाने का। वैसे आपका ये नया रूप देखकर हमें बहुत खुशी मिल रही है। आपके लिए चाय लेकर आए? नहीं शेर, शैल जी। ये तुम्हारे लिए। ये हमारे लिए? ये फूल हमारे उस खूबसूरत रिश्ते के लिए शायद, जिसका इजहार हम चाहकर भी कर नहीं पाते। हम इसे, हाँ एक मिनट, हम अभी आए, शाम के पूजा की तैयारी करनी है। ठीक है, पूजा पाठ तो होते रहेगा, लेकिन पहले भाभी का फेस देखना है। देखेंगे Thank you.
लगी तो नहीं? नहीं, हम शपथ में नहीं ना, हमें कुछ नहीं होगा। पिट्ठू भाभी बैटमैन है, आप देखना हम पूजा में क्या करते हैं, बस आप देखना। गुंजन, तुमने आरती के थाली के पास कपूर रख दिए? हाँ। तुमने पंजीरी के लिए मखाने काट दिए? हाँ, चाची जी ने काट दिए। डोलू, डोलू, डोलू! हे भगवान, ये लड़का भी ना बहुत शैतान हो गया, पता नहीं कहाँ छुप कर बैठा है। डोलू! जी, क्या करें? सुबह वाली बात को लेके हमारे को बहुत बुरा फील हो रहा है। अब रिलैक्स करो और पूजा में मन लगाओ, समझी? जी। कैसे देखूं इन्हें, कैसे? मुझे इजाजत है कि मैं मयंक यहाँ सबके सामने? कम ऑन, सबके सामने मतलब क्यों? घर के लोगों से डर लगता है? डरती तो मैं किसी से भी नहीं। तो मुझे लगाने क्यों नहीं दे रहे? प्लीज, विद प्लेजर। ओके, आज भगवान की भक्ति में मन नहीं लगने वाला, इस देवी के दर्शन में जो इतना बिजी हूं। मिस हॉट वाइफ, ये पब्लिक है, ये सब जानती है, पब्लिक है। क्या गुंजन, तुम बार बार मुझे यहाँ बुला लेती हो? मैंने बोला मैं बिजी हूँ, मुझे काम करने दो, जाने दो मुझे। अच्छा, मैं के बच्चे कहाँ भाग रहे हो? मैंने बुलाया था। अरे छोड़ो, और क्या, बहुत सारा काम है। गुंजन, सच में तुम दोनों लवर्स हो? हाँ हाँ भाई, कह लो कह लो, जब तुम्हारा वक्त आएगा ना तब देखना, फिर कहना प्यार पंछी इन ऑल ऑफ दैट, बस मिस्टर राइट की देर है। अंजन, मिस्टर राइट का तो पता नहीं, लेकिन मिस्टर रॉन्ग जरूर आ गए, वो देखो। अरे दादी और नन्हे, नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते बेटा। दादी, हाउ आर यू बेटा? वेरी गुड दादी, मैंने सुना आपकी तबीयत शैतानी कर रही थी, मुझे लगा आपको यहाँ आने ही नहीं देगी। तबीयत शैतानी करने की हिम्मत तो करके देखे, डेयर नॉट, मजाल है कोई मुझे यहाँ आने से रोके? क्यों नन्ने, अब क्या बताएं भाई, शादी ब्याह पूजा पाठ की रौनक देखने के लिए हम तो अमेरिका में तरस गए थे, कैसे नहीं आते? मगरमच्छ के आंसू बहाए और उसे ले आई। बहुत अच्छा किया। आइए प्लीज। अच्छा, दादी मैं सोच रही हूँ आपके लिए गरम गरम अदरक वाली चाय बना देती हूँ। वाओ, दैट्स अ सुपर आइडिया, हम चलते हैं तुम्हारे साथ, तुम्हारी मदद करें। जी, तुम दोनों जा रहे हो तो हम यहाँ क्या करें, हम भी चलते हैं। आइए, चल आइए। हम यहाँ के लिए क्या करें, हम भी अंदर चले जाते हैं। वो I'm so sorry, वो हम गलती से गिर गए। By the way, हमारे पास स्टूल अच्छा था।
फैंस को पसंद है। गुड जॉब। सच? मतलब आपने उसे अपने डिजाइन में शामिल किया? थैंक यू सो मच। हमने तो कल सुबह ठीक 6 बजे आ जा, मार्केट के लिए निकलते शार्प 6 है। जी जी। आप भी ना क्या करते हैं जी? कहने से नहीं करने से होता बेटा, आओ बैठो और बनाओ पीली आउटलाइन। हाँ मिठू बैठो ना, बनाओ। जी चाची साहब। जानती है चाची, मेरी मिठू कहती है कि कॉलेज में वो रंगोली कंपटीशन जीता करती थी। क्यों मिठू? जी मिठू भाभी, आज तो हम आपका चेहरा देखकर ही रहेंगे।